वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया तुम सब कहने दे ब्लॉग कहने दे। मैंने अभी तक जाके मेरा चैनल पर दस ब्लॉग ज्वाइन नहीं किया, जाके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। यार रात को बहुत गर्मी थी, लेकिन अचानक ऐसा करम हुआ अल्लाह का, बारिश तूफान बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। ये आप फिर एक क्लिप दे रहे हैं, फिर आ गया उसमें। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, रात को बहुत प्यारा मौसम था, ठीक है, बादल फूल थे। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका, मैं करता ही नहीं, ये भी वीडियो भाई ने कैप्चर की थी, मैंने इसमें ब्लॉग में ऐड कर दी। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे, ठीक है, अभी जैसे फ्री होके जाएंगे घर, वापस जाके फिर आपसे मिलते हैं। फिर आगे जो दो दिन प्लान है वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। अपनी शॉप से फ्री होके मैं दोस्त की शॉप पे आ गया, जैसा कि आप देख सकते हो, लाहौर लैब एक्सरे सेंटर, ठीक है, ये वीआईपी स्टोर के बिल्कुल सामने है, ऑपोजिट है वीआईपी स्टोर के। इनका एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जो इनके ओनर उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो यार इनके पास हर किस्म का टेस्ट एक्सरे वगैरह है, ठीक है, तो नीचे इनका डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा एड्रेस है, पूरा इतमाद है, आप आएँ, कोई भी मसला आपको इंशाल्लाह पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे दो तीन काम है, पहला काम तो ये कि हमने जाना कुंभ की तरफ, ठीक है, आप निकलते हैं कुंभ की तरफ, रास्ते में आपको सब कुछ दिखाते हैं, जाते हैं कुंभ की तरफ, फिर वापस जाके आते हैं। तो यार रास्ते से कुछ दवाइयाँ वगैरह नहीं थी, वो लेते हैं, फिर चलते हैं। A few inches later, यार दवाई वगैरह ले ली है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, अब निकलते दोबारा अपने संपत्ति के, अब उधर जाकर फिर आते हैं। यार हम पप्पू के घर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी काम अभी भी हो रहा है। ये क्या है? ठीक है, तो यार अब हम चलते हैं दवाइयाँ लेके अंदर, ठीक है, और जाके पप्पो से मिलते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके। Two hours later. तो यार पप्पो की तरफ आए थे, तो पप्पो कहते खाना वगैरह खा के जाना। आए 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 मजे आए आए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने ऑर्डर किया था कुछ खाने को, अब खाना लेने चलते हैं, बाहर से ऑर्डर वाला आया हुआ है, तो खाना लेके फिर आपसे मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे बैठेंगे दो तीन घंटे, 11 बज रहे हैं, दो बजे तक इधर बैठेंगे, ठीक है, और आपको साथ साथ दिखाएंगे, एक मुश्ताक साहब भी हमारे साथ हैं, ठीक है, हमारे भाई भी हैं, सुहेब भाई भी आ जाएंगे, तो आपको सबसे मिलवाते हैं साथ साथ। ओके। मैं अभी अभी दुकान से बाहर आया हूँ भाई, साहब मैं अभी अभी दुकान से बाहर आया हूँ। अच्छा, ये क्या कारनामा हो रहा है? ये मैंने थोड़ी किया है, ये ऐसा कारनामा हो रहा है कि मैं बाहर निकला हूँ, बिल्ली आई है, ठंडा पक रहा है, उन्होंने देखा थाने में रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं अभी। ये वाले भाई जो है थाने में रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। यार रिपोर्ट हमने दर्ज करा दी बिल्ली की, हमने कहा चलो अब इस बिल्ली को ना दूध वगैरह डाल दें, इसलिए अब हम डालने लगे हैं बिल्ली को दूध। खाने वाले से बात हुई हमारी, जाके कहते हैं यार बिल्ली अगर आपके पास आ गई है तो आप उसे खिदमत करो, उसको दूध दूध पिलाओ। तो मुश्ताक साहब इसको अपना दूध ला के दिया इन्होंने, खालस दूध ला के दिया इन्होंने, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ऐसे ही है। कितने का लेके हैं? 20 बिल्ला दूध है इनका, ठीक है, इनका नहीं, वो सामने दुकान है लोग।
The next day. यार रात को मैं सो गया था, ठीक है। अब मैं सुबह उठा हूँ, ठीक है। तो यार इतना प्यारा मौसम है, इतनी बारिश हो गया, इतनी बारिश हो गया जैसा कि आप देख सकते हो। हर जगह पानी ही पानी खड़ा हुआ। अल्लाह का इतना करम हो गया, बारिश तो हो गया, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया रोड वगैरह पे, गलियों वगैरह में, ठीक है। यार अब करते हैं नाश्ता, फिर चलते हैं बाहर और आपको जाकर बाहर का सीन भी शेयर करते हैं। ये देखें पानी और पानी। कितने आता पानी, पानी चेक करी कितने आता है। A few moments later. यार मैं शॉप पे आ गया था और बाहर बहुत ही ज्यादा पानी वगैरह खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसा कि आपने पीछे क्लिप में देख ही लिया है। नहीं। और ये हमारे शान भाई, ये अभी अभी इनके साथ क्या हुआ, ये अपने घर से शॉप के लिए आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ आप खुद ही बताएं। रास्ते में मैं आ रहा था तो आते वक्त गटर खुला हुआ था और मैं उसके अंदर ठप करके गिर गया। आगे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये ना बड़े ना ध्यान से आ रहे थे तो अचानक गड्ढा खुला हुआ था, पानी इतना ना पता ही नहीं चला। ये भाई माशाल्लाह बीच में चले गए थे, आधे बीच में चले गए थे। तो फिर इनको बहुत सारे बंदों ने आके निकाला बेचारे, आधा आधा तो गड्ढा के पानी से नहा लिया इन्होंने। फिर अभी आगे वापस दुकान पे आके ना आए हैं तो फिर ये खड़े हैं आगे। ये आप खड़े हुए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बस आपका एक्सपीरियंस तो काफी बेहतर हो गया और अब आगे देखें, अब आगे कभी बारिश होगी तो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं दुकान के लिए तो आना ही है। दुकान के लिए तो आना ही। दुकान के लिए हम आएंगे बेशक, हम जिसपे मर्जी गिरे, जिसपे मर्जी गिरे, गंदे नाले में गिर गए, हमने दुकान पे आना है। और यार अभी करना नाश्ता, हमजा लेने गया हुआ नाश्ता, वो आता है, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं बाकी जो भी हम नाश्ता वगैरह करेंगे। यार मैं शॉप से बाहर आया हूँ और दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है और ये वाले भाई जो है ना, ये ये वाले भाई सुबह के ना आ रहे हैं स्टिल बारिश के अंदर, और इन्होंने शाम को दुकान पे भी आना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इतने इतने नगीले हो गए। यार बारिश दोबारा हो चुकी स्टार्ट, बहुत ज्यादा तेज। अभी पिछला पानी खत्म नहीं हुआ था, दोबारा पानी आ गया। ये बंदा नान लेके आया नाश्ते के लिए, तो अंदर चले नाश्ता करते हैं। क्या ये नाश्ता वगैरह आ गया, अब करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद ये आपको मिलते हैं। hours later. दुकान से फ्री होके घर में आ गया था, वापस आके मैं सो गया था थोड़ी देर, ठीक है। यार दो दिन का व्लॉग कंबाइन करके मैंने आगे अपलोड किया है। उम्मीद आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगा। नहीं। तो यार इस व्लॉग को मैं करता हूँ इधर से एंड। जिन्होंने जाके अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके फिर।